रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंखुड़ी कुकिंग शो जीत जाती है, जिसके लिए उसे स्टेज पर बुलाया जाता है। साथ ही जजेस उसके हाथों में ट्रॉफी और 1,00,000 रुपए का चेक भी देते हैं। ऐसे में एक जज उससे बोलते हैं, सो मिसेस पंखुड़ी, इतना अच्छा मूंग दाल का हलवा आपने कहाँ से बनाना सीखा? I mean, मम्मी, दादी या नानी? क्योंकि आपके बनाए हलवे में कुछ अलग ही जादू था, ऐसा कि जैसे आपने किसी अपने के लिए बहुत प्यार से बनाया हो। जी नहीं, ये रेसिपी ना तो मुझे मेरी माँ ने सिखाई है, ना मेरी दादी नानी ने, और ना ही मेरी सासू माँ ने। ये रेसिपी मुझे मेरे माय डियर हस्बैंड आरव ने सिखाई है। व्हाट? आपके हस्बैंड ने? जी आपने तो सुना ही होगा कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ बात उल्टी है। मेरी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे खाना बनाना सिखाया। सच कहूँ तो मुझे चाय के सिवा कुछ आता ही नहीं था, लेकिन मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे एक अच्छा कुक बनाया। और सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ये ट्रॉफी मेरे हस्बैंड के हाथों से मिले, प्लीज। या श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज मेक अ अप्लॉज फॉर मिस्टर आरव। जजेस के बुलाने पर आरव स्टेज पर आकर अपनी वाइफ पंखुड़ी को खुद ट्रॉफी देते हैं और सभी लोग मिलकर उन दोनों पति पत्नी के लिए खूब तालियां बजाते हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं, जहां उसके घर पर कुछ मीडिया वाले लोग आते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हुए पूछते हैं, मैम आप बताइए ना, आप यहां तक कैसे पहुंची? क्योंकि आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं था। ये एक लंबी कहानी है। जो ट्रॉफी मिली है इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड को जाता है। मतलब आपके हस्बैंड ने आपकी बहुत मदद की है। मैम क्या आप अपनी लव स्टोरी हमें शेयर करना पसंद करोगी? जी बिल्कुल। तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। पंखुड़ी को हलवा खाने का बहुत शौक था। उसे हर तरह के हलवे खाने बहुत पसंद थे, जैसे कि गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, घिया का हलवा, मूंग दाल का हलवा इत्यादि। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में मंदिर के पास भंडारा हो रहा होता है, वो भी हलवे पूरी का। और जैसे ही उसकी फ्रेंड रूही भंडारे को देखती है तो बोलती है, ओए पंखुड़ी यार, देख भंडारा लगा हुआ है, चल खाने चलते हैं। सच्ची भंडारा? ओए चेक करना, हलवा बनाए क्या? सबसे पहले तो मैं वही खाऊंगी। हाँ ठीक है चल। इतना बोलकर वो दोनों भंडारे में चली जाती है और हलवा लाकर खाने लगती है। तभी पंखुड़ी बोलती है, यार देख ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खा लेते हैं। हाँ यार कितने दिन से मन कर रहा था, और कितना टेस्टी भी है ना, साक्षात माता जी का आशीर्वाद मिल गया प्रसाद में। सही बोली। पता है आज मैं घर जाकर मम्मी से कहने वाली थी कि हलवा बना दो, लेकिन माता रानी ने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी। कुछ देर के बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती है। जैसे ही पंखुड़ी अपने घर आती है, उसकी मम्मी रोहिणी हाथ में एक लड़के की फोटो लिए बोलती है, अरे पंखुड़ी बेटा, मैंने तेरे लिए एक आरव नाम के लड़के का रिश्ता देखा है और फिक्स भी कर दिया। माँ उसे बिना पूछे ही पक्का कर दिया? खैर कोई नहीं, अब आपने देखा है तो अच्छा ही होगा। अरे भले ही तुझसे बिना पूछे रिश्ता तय किया हो, लेकिन लड़का बिल्कुल तेरे लायक है। ये देख उसकी फोटो, अब बता कैसा है लड़का? माँ लड़का तो मस्त है। इतना कहकर वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद वापस लौटती है। दोनों माँ बेटी मिलकर गाजर का हलवा खाती हैं। अगले महीने ही रोहिणी अपनी बेटी पंखुड़ी की शादी आरव के साथ धूमधाम से करवा देती है। दोनों अपनी शादी के बाद पहली बार लंच में साथ जाते हैं कि अचानक से उनकी कार खराब हो जाती है। दोनों कुछ बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी पंखुड़ी बोलती है, ओ क्या ओ, ये कोई ओ वाला मोमेंट नहीं है। ओके तो कब होती है आपकी ये ओ मोमेंट, बताओ, मुझे तो समझ नहीं आती। नहीं समझ आ रहा तो मत बोलो। लेकिन मुझे समझना है, आप अभी समझाओ मुझे। ये समझाने का वक्त नहीं है कोई, अब चलो यहाँ से, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड और लंच करके वापस घर आ जाते हैं और उसकी सास सुरेखा उससे कहती है, अरे बहू आज राजमा चावल बनाने हैं,
मेरा बहुत टाइम से दिल कर रहा है खाने का। राजमा चावल, ए क्या करूं, मुझे तो राजमा का राह और चावल का चा भी बनाना नहीं आता। चाय के अलावा आज तक मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। अरे क्या हुआ बहू, तू क्या सोच रही है? कुछ भी तो नहीं माँ जी। इतना बोलकर पंखुड़ी रसोई में चली जाती है और खुद से कहती है, क्या करूं, कैसे बनाऊं, हाय मैं कहां फंस गई, माँ जी को पता चल गया मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं क्या करूंगी। उसकी ये बात आरव सुन लेता है और उसके पास आकर बोलता है, पंखुड़ी तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। आरव जी आप कब आए, आपने मेरी सारी बात सुन ली ना। कोई बात नहीं पंखुड़ी, तुम एक शेफ की बीवी हो, तुम्हें जब तक बढ़िया बढ़िया खाना बनाना नहीं सिखा दूं हार नहीं मानूंगा। चलो इससे पहले माँ मुझे तुम्हारे पास देखे हम राजमा चावल बना लेते हैं। जी आरव जी। इतना बोलकर आरव चोरी चुपके पंखुड़ी को राजमा चावल बनाना सिखाता है। कुछ ही देर के बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। अच्छे से सलाद के साथ पंखुड़ी खाना टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद सभी मिलकर खाना खाते हैं, जिसे खाने के बाद सुरेखा बोलती है, अरे वाह बहू मजा ही आ गया खाकर, और खाने को इतनी अच्छी तरह से टेबल पर सजाया, वाह बहू बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ माँ जी थैंक यू। वाह पंखुड़ी तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वक्त बीतता जाता है, आरव पंखुड़ी को सुरेखा से चोरी छुपके खाना बनाना सिखा देता है। कभी वो अपने होटल में बुलाकर खाना बनाना सिखाता तो कभी होटल में रहकर फोन से गाइड करता। वक्त गुजरता जाता है और इसी के साथ अब पंखुड़ी को खाना बनाना आ ही जाता है। और ऐसे ही एक दिन पंखुड़ी का बर्थडे होता है, ऐसे में वो मार्केट जाती है। इतने में उसके पीछे आरव और सुरेखा सरप्राइज पार्टी की पूरी तैयारियां कर लेते हैं। जैसे ही पंखुड़ी घर वापस पहुंचती है, आरव पार्टी बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है, साथ ही उसकी सास भी। और ये सरप्राइज देखकर पंखुड़ी बहुत हैरान हो जाती है और खुशी से बोलती है, वाओ आरव जी थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए थैंक यू। अरे बहू ये सब तो कुछ भी नहीं है, एक और सरप्राइज है तेरे लिए जो कि आरव देगा तुझे। सच्ची माँ जी? आरव जी जल्दी दिखाइए, मुझे सबर नहीं हो रहा। आरव के ताली बजाते ही उनका सर्वेंट ट्रॉली पर गाजर के हलवे का बना हुआ केक लेकर आता है और साथ ही दो लड़के साइड में खड़े होकर गिटार से रोमांटिक म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं। ये देखकर पंखुड़ी बोलती है, वाओ आपने मेरे लिए गाजर के हलवे का केक बनाया, वो भी अपने हाथों से, सच में मुझे दुनिया के सबसे अच्छे पति और सासू माँ मिले हैं। इतना कहकर पंखुड़ी अपना केक कट करती है और सब बर्थडे को अच्छे से एंजॉय करते हैं। अगले दिन पंखुड़ी जब डोर के पास से न्यूज़पेपर उठाने के लिए जाती है, तब उसके साथ में उसे एक पैम्पलेट मिलता है जिसमें कुकिंग शो में पार्टिसिपेट करने का प्रचार होता है। और तभी आरव उसके हाथ में ये देखकर बोलता है, पंखुड़ी अब ज्यादा सोचना मत, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना ही होगा मेरे लिए। लेकिन आरव जी। डरो मत पंखुड़ी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें सब बनाना आता है। आरव की बात सुनकर अगले ही दिन पंखुड़ी उस कुकिंग शो में पार्टिसिपेट करती है और वहाँ पर अपने पति का फेवरेट मूंग दाल का हलवा बनाती है। और जजेस जब सभी के डिशेस टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करते हुए बोलते हैं, इस कुकिंग शो की विजेता है मिसेस पंखुड़ी, मैं जोरदार तालियों से इनका स्टेज पर स्वागत करता हूँ। ओह मैम तो ये है आपकी कहानी, दैट्स अ स्वीट लव स्टोरी। आई होप आप सबको मेरा ये कुछ ना बनाने वाली पंखुड़ी से लेकर हर एक रेसिपी बनाने वाली पंखुड़ी का सफर पसंद आया होगा। मीडिया पंखुड़ी की दास्ता सुनकर वहाँ से चली जाती है और अब पंखुड़ी अपने पति और सास को अलग अलग तरीके का खाना और नए नए तरीके के हलवे बनाकर खिलाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।